Continue with the chapter Bills of Exchange. In this video, we are going to discuss another topic of this chapter, that is endorsement of a bill. Endorsement of a bill का मतलब होता है कि एक जॉयर होता है, एक जॉई होता है. जैसे एक सेलर है और एक बायर है, उन्होंने एक दूसरे को गुड्स बेची, बिल मिला, बिल रिसीव हुआ. जो सेलर होता है, जॉयर है, कई बार जो वो बिल होता है आगे किसी थर्ड पार्टी को दे देता है, उस टर्म को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट. जिस थर्ड पार्टी को बिल दिया गया है वो इंडोर्सी हो जाएगा और जो प्रोसेस का नाम है वो इंडोर्समेंट है. क्लियर? सो अब इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड इंडोर्सी. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13. ऑन 15th अगस्त 2017 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 15,000 and drew upon him a 3 months bill for the amount. B accepted the bill. After 10 days, A endorsed the bill to his creditor C. On the due date, the acceptance was duly met, passed journal entries in the books of A, B and C. A ne B ko goods bechi. So who is the drawer in this case? Jo bechta hai, seller hota hai, wo drawer hai. जिसको बेची गई है बी, दैट इज अ ड्रॉई. और बाद में जब ए को बिल रिसीव हो गया, ए ने 10 दिनों के बाद अपने क्रेडिटर सी को जो है वो बिल पास कर दिया. ठीक है? सो ड्रॉयर जो है, जिसके पास बिल होगा वही अगली पार्टी को जो बिल है वो दे सकता है. ए ने बिल सी को दे दिया तो सी हमारा क्या हो जाएगा? इंडोर्सी, जिसको बिल बाद में रिसीव हुआ. क्लियर? सो इसमें तीन पार्टीज हैं, हमें तीन फॉर्मेट रेडी करने पड़ेंगे, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड इंडोर्सी. सो लेट अस स्टार्ट. 15th अगस्त को गुड्स बेची गई. सबसे पहले ए अपनी बुक्स में सेल की एंट्री डालेगा. 15th अगस्त 2017 ए ने बी को गुड्स बेची. बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड. क्लियर? अमाउंट इज 15,000. जो बी है उसने गुड्स रिसीव की, उसने परचेजेस की. 15th अगस्त 2017 बी ने परचेजेस की हैं. सो ये लिख देगा परचेजेस अकाउंट डेबिट. इसको किसने गुड्स दी हैं? ए ने टू ए अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड. अमाउंट इज 15,000 इन द डेबिट, 15,000 इन द क्रेडिट. अब जिस दिन सेल परचेज होती है उसी दिन बिल बिल बन जाता है. जो ड्रॉयर है इसने बिल रिसीव किया, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. और ये बिल इसको किसने दिया है? बी ने टू बी अकाउंट बीइंग बिल रिसीवेबल. जिस दिन सेल परचेज हुई उसी दिन बिल बन गया, दैट इज 15th अगस्त 2017 अमाउंटिंग टू 15,000. क्लियर है? इसको पैसे रिसीव होने हैं इसलिए बिल रिसीवेबल. जो बी है इसने पेमेंट करनी है, सो ये वो यूज करेगा बिल्स पेबल. इसने ए को बिल दे दिया, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग बिल्स पेबल. यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, पहले दो केसेस में. सेल हुई, परचेज हुई, बिल रिसीव हुआ, बिल पे हुआ. अब क्वेश्चन में लिखा गया था जब ए को बिल मिल गया, 10 दिनों के बाद जो ए है उसने वो बिल आगे पास कर दिया, इंडोर्स कर दिया सी को. सो 15 अगस्त को बिल था, उसने आगे पास कर दिया आफ्टर 10 डेज. सो 15 प्लस 10 25. सो जो ए है उसने 25th को जो बिल है वो सी को दे दिया. सो 25th अगस्त 2017 अब बिल किसको मिल रहा है? सी को. सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल.
क्योंकि जो ए के पास बिल था रिसीवेबल, वो वाला बिल उसने आगे सी को दे दिया. सी इज अ रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बीइंग बिल इंडोज्ड टू सी, 15,000, 15,000. क्लियर? अब क्वेश्चन में लिखा गया था ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस वर ड्यूली मेट. जब मैच्योरिटी आई, जब ड्यू डेट आई, तो बिल की पेमेंट हो गई. सो क्वेश्चन में लिखा गया है कि द बिल वॉज टू बी मेट आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद पेमेंट होनी है. सो 15 अगस्त को बिल बना, 3 महीने बाद, मतलब अगस्त से लेकर सितंबर 1 महीना, देन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2 महीना, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 3 महीने. सो 15 नवंबर 3 डेज ऑफ ग्रेस, 18 नवंबर, ठीक है, 3 महीने बाद. सो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक 1 मंथ हो गया, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2nd मंथ हो गया, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 3 मंथ हो गए. 3 महीने 15 बना, 15 नवंबर में 3 डेज ऑफ ग्रेस किया, 18 नवंबर. सो 18 नवंबर आ गई, जो बी है उसने पेमेंट कर दी. सो 18 नवंबर 2017 इसने जो बिल पेबल था, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसने पेमेंट कर दी. सिर्फ रिटेंड वाले केस में हम कैश वर्ड यूज करते हैं, बाकी सभी केसेस में वी विल यूज द वर्ड बैंक. बीइंग अमाउंट पेड, कितनी पेमेंट कर दी पूरी, 15,000, 15,000. क्लियर? अब सी की बुक्स में ए जो था उसने बिल दिया था सी को, तो सी ने उसकी रिसीव करने की एंट्री भी डालनी है. 25 अगस्त 2017 इसको बिल रिसीव हुआ था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने इसको बिल दिया था, ए ने टू ए अकाउंट, बीइंग बिल रिसीवेबल. ठीक है? सो ये एंट्री पहले आनी थी जब उसको बिल मिला. अब इसके बाद लास्ट में बिल सी के पास है, जब बी पेमेंट करेगा तो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा. सो 18 नवंबर को सी को पेमेंट रिसीव हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ये पेमेंट है किसके बदले में मिली, क्योंकि लास्ट में बिल सी के पास है. टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड. क्लियर? 15,000, 15,000. सो एक बारी नटशेल में देख लें, इंडोर्समेंट वाले केस में हमारे पास 3 पार्टीज होती हैं. ड्रॉयर तो जरूर होगा, ड्रॉई भी होगा, और जिसको हमने बिल पास किया है उसका नाम होगा. सबसे पहले सेल हुई, इसने परचेज की, इसने बिल रिसीव किया, इसने बिल पे किया. अब जो ए था उसने बिल सी को पास कर दिया, इंडोर्स कर दिया, इसने बिल दिया है और सी को बिल रिसीव हो गया. जब मैच्योरिटी आई तो जो हमारा ड्रॉई था, हमारा बायर था, उसने जो पेमेंट कर दी. लास्ट में बिल जो है सी के पास है, हमारे इंडोर्सी के पास है, तो इसको जो पेमेंट है वो रिसीव हो गई. सो दिस वॉज अबाउट इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज.